हेलो, वॉइस क्लियर है? ठीक यस सर। कुछ बच्चे तो भाग ही गए हैं बेचारे। चले ठीक है। हम लास्ट क्लास में हमारा क्या डिस्कस हुआ था कि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा मेथड था हमारे पास जिसमें सैम्पलिंग थी, क्वांटाइजेशन था एंड एनकोडिंग थी। ठीक है, वो क्लियर हो गया था सभी को? ठीक, रिप्लाई रिप्लाई नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि क्लियर है। नाउ अब देखते हैं कि कुछ मेथड्स हमारे पास हैं ए टू डी कन्वर्जन के। तो उसमें पहला है सिंगल स्लोप एडीसी, डुअल स्लोप एडीसी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी, ठीक है, एंड फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप को हम लोग पैरेलल कंपैरेटर एडीसी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है फ्लैश टाइप, ये सबसे फास्ट कंपैरेटर एडीसी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है ये कि सबसे फास्ट मतलब फास्टेस्ट एडीसी कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि फ्लैश टाइप या फिर पैरेलल कंपैरेटर टाइप। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये सिंपल सबसे सिंपल है। ठीक है, आपने कंपैरेटर का कल ऑपरेशन भी देखा था। ठीक, तो यहाँ पर ये हम पहले क्या कर रहे हैं, एक कंपैरेटर को यूज़ कर रहे हैं। दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव पे हम लोग देते हैं जो भी एनालॉग वोल्टेज हम लोग जिसको एनकोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वी आई इज योर एनालॉग इनपुट, अब वो जो भी हो। ठीक है, फिर दूसरे एंड पे हम लोग क्या करते हैं कि जो एक दूसरा एंड आएगा जो भी हमारा अप्रोक्सीमेशन में उस प्रोसेस से निकल के वोल्टेज आता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं अपने एनालॉग इनपुट को। ठीक है, अब देखिए फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद आपका कहाँ जा रहा है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर में। इसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी वैल्यूज जो होती हैं, बिट्स होती हैं, वो स्टोर होती हैं। समझ गए, जैसे रजिस्टर था ना, तो ये वही चीज़ है। यहाँ एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बिट्स को अपने कंपेयर करते रहते हैं इस एनालॉग इनपुट से। ठीक है, उसके बाद फाइनल एनकोड करके वहाँ डेटा देता है। तो अभी इस रजिस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, बी नॉट, बी वन, बी टू से लेके बी एन माइनस वन। अगर आपके पास n बिट का कोड है तो ये सारा हमारे पास ये लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इतनी बिट्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बिट का भी आप लोग जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर आप 3 बिट का यूज़ कर रहे हैं तो बी नॉट, बी वन एंड बी टू, ये 3 बिट्स आपको जनरेट होकर मिलेंगे। ठीक है, अब इस रजिस्टर के ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग दे रहे हैं स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, एक सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे, फिर जब ये फिनिश हो जाएगा, एक बार एनकोडिंग हो गई, उसके बाद हम लोग एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल प्रोवाइड करके इसको एंड कर देंगे, इस प्रोसेस को। ठीक, यहाँ पर एक एडिशनल इनपुट है क्लॉक इन, क्योंकि हमें हर ऑपरेशन के लिए क्लॉक की जरूरत, एक रेगुलर इंटरवल पे ऑपरेशन के लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो भी बिट्स जनरेट हो रही हैं वो कहाँ जा रही हैं, डी टू ए कन्वर्टर में। ठीक, डी टू ए कन्वर्टर में ये जो बिट्स जा रही हैं, इसके बाद ये क्या दे देगा, एक वोल्टेज दे देगा। जितना भी यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन आया है बाइनरी डिजिट्स का, उसके करस्पॉन्डिंग एक एनालॉग वोल्टेज जनरेट करेगा, वही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और ये हो जाती है, यहाँ पर हम लोग आउटपुट पे निकाल सकते हैं, फेच आउट कर सकते हैं ये जो भी हमारा कोड है। क्लियर? यस सर। ये हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि जो हम वी आई इनपुट दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो एनकोडिंग के बाद डेटा आता है वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो ये डायग्राम प्रोसेस को कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास सपोज जैसे तराजू होता है ना, ठीक है, हमने एक यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया 5 वोल्ट, सॉरी 5 kg का कोई भी एक गठरी दे दी। ठीक है, एक तरफ ने रख दिया, उसको तोलना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बिट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं,
ये 3 बिट है, तो बी नॉट का वेट कितना होता है 1, बी वन का वेट 2 और बी टू का वेट 4, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 1 kg, 2 kg और 4 kg ले लिया। ठीक है, हमारे पास ये वेट्स हैं पहले से। अब हम देख के ही, बोरी को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्राई करते हैं इनिशिएट करने के लिए, हम 4 kg रखते हैं, तो यहाँ 4 kg हमने रखा। ठीक, तो 4 kg से क्या हुआ, ये अभी भी क्या होगा, 5 kg वाला नीचे होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कुछ और तोलना है। फिर अब क्या करते हैं, हम इसमें बी वन वाला बढ़ा देते हैं। पहले हमने बी टू को 1 किया तो हमारा 4 kg मिला, फिर हमने बी वन को 1 किया, इसको अभी 0 रखा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब 6 हो गया यहाँ पे। ठीक, 6 हो गया तो ये नीचे हो गया, तो हमें लगा कि हाँ ये इसके बीच की कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने दिया था 4 और उसके बाद हमने दिया 6, तो इनके बीच का कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि ये तो हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ 1 कर देते हैं। जब ये 1 किया, वैसे ही ये 5 kg हो गया, तो दोनों अब क्या होगा, इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं इसको, यही हमारा प्रोसेस होता है, एक एक करके हम लोग वेट्स को चेक करते हैं। तो ये देखिए, स्टार्ट, एक स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस, हमने एक 1 इनपुट दे दिया और ये फाइनली आगे तक चलेगा, मतलब उसके बाद 0 कर दिया इसको, एक बार देने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो 0 पे आ गया। उसी तरह से हम एंड ऑफ कन्वर्जन कब देंगे, जब हमारे जितने भी क्लॉक्स हैं वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो 3 बिट के लिए हम 3 क्लॉक लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 बिट्स का है कंपेरिजन, तो हम 1 क्लॉक इसके लिए, 1 क्लॉक इसके लिए, 1 क्लॉक इसके लिए लेंगे, और जैसे ही इतना होता है उसके बाद हमें एक एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल देके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब देखिए, पहली वाली में, पहली क्लॉक पे क्या कंपेयर हो रहा है, बी टू, दूसरी पे बी वन और तीसरी पे बी नॉट, प्रोसेस देखते हैं। ठीक, अब पहले हम ऊपर वाला चलेंगे पूरा, उसमें ही प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास एक कोई भी एनालॉग इनपुट है, ठीक, हम फिलहाल पूरा चार्ट बनाते हैं जितने भी, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 से लेकर 7 तक। ठीक, हम सारे एक बार देख लेते हैं। तो हमने एनालॉग इनपुट अप्लाई किया यहाँ पे, और इसको पहले, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहला सबसे बड़ा वेट हम यूज़ करते हैं, तो वो कितने का है, 4। ठीक, 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी टू को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वेट मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, कि इसका वेट कितना हो गया 4, इसका वेट 2, इसका वेट 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बी टू को 1 करके चलते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बी टू के लिए। ठीक, तो उसको जब 1 किया तो बाकी दोनों 0 हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई यहाँ पे, जो एनालॉग वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होके आया, देखिए ये जो हम कर रहे थे ना डी टू ए कन्वर्टर में, क्योंकि ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं, अब इसमें बी टू क्या हो गया 1, बाकी दोनों 0, तो इससे एनालॉग वोल्टेज जो जनरेट हुआ कितना हुआ, 4, और 4 को हमने यहाँ पर दे रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, तो वी आई जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज था, और इस वाले को अप्रोक्सीमेशन के बाद जो मिला है 4, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो हमने कंपेयर किया, तो अब देखिए, अगर अभी इस क्वांटिटी में मत जाइएगा, 5.2 देकर हम चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, हम बस एक इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन 4 है तो बी टू क्या होगा,
हेलो, तो अब कंपेयर करते हैं हम लोग फोर से, तो अगर ये फोर से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात या तो ये थ्री होगा, 3.5 होगा, इस तरह से कोई क्वांटिटी होगी। तो हम अगर फोर बी टू को वन करके चलेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, फोर पहले दे देगा जबकि क्वांटिटी उससे कम है, तो हमें इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी टू को ज़ीरो कर देते हैं, और अगर ग्रेटर देन है तो यस लिखा हुआ है और ये बन रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ के बाद, ठीक, बी टू हमारा ज़ीरो है ऊपर वाले केस में, ठीक। तो जब बी टू ज़ीरो है तो अगली चीज़ हमारे पास क्या बची, बी वन को वन करेंगे, ठीक है। बी टू ज़ीरो और बी वन को वन किया, बाकी बी नॉट ज़ीरो, तो वो वेट कितना देगा, टू देगा। अगर हमारा कोड इस तरह का है तो वो कितना देगा, टू एनालॉग वोल्टेज दे देगा, ठीक है, टू दे देगा। तो हम टू से कंपेयर करते हैं, और अगर ये बड़ा है तो बी टू को वन करके चल रहे हैं, ठीक, बी टू को वन करके चल रहे हैं, तो अगला हमने इसको बी वन को वन कर दिया, ये ज़ीरो है, तो ये क्या दे देगा, सिक्स दे देगा, तो सिक्स एनालॉग वोल्टेज, ठीक। तो अब दो चीज़ें हमारे पास, अब पहले ऊपर वाले लाइन में करते हैं, तो वी आई या वी इनपुट इज ग्रेटर देन टू, ठीक, कंपेयर करो कि ये दो से ज़्यादा है या नहीं है, अगर दो से ज़्यादा है तो बी वन को वन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो को तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, ठीक। और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात हो सकता है 1.5 के करीब हो, तो हम इसको ज़ीरो करके चलेंगे क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर पहुँच गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिक्स से ज़्यादा है या नहीं है, अगर सिक्स से ज़्यादा नहीं है तो हम बी वन को तो ज़ीरो कर देंगे ना, क्योंकि फोर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। और अगर हमने टू और ले लिया तो क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको बी वन को ज़ीरो ले लेते हैं, तो अभी हमारा कितने पे है, फोर पे ही है, फिर हम आगे बी नॉट को चेक करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा है, सिक्स से ज़्यादा है, तो उसको हम वन कर देंगे, क्योंकि सिक्स तो यहीं से दे रहा है ना, बी नॉट, बी टू और बी वन मिलकर सिक्स बन रहा है, तो ये हम नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वन आ गया इसका वेट, क्योंकि हमने क्या किया, इसको ज़ीरो कर दिया ना बी वन को, तो ज़ीरो ये भी है, ज़ीरो ये भी है, फिर वन हम बी नॉट को ट्राई करते हैं, तो वो कितना है, वो क्या दे देगा, वन मैग्नीट्यूड, ठीक। और अगर यहाँ पर बी वन वन हो जाता है और बी टू क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो वन, उसके बाद हम बी नॉट को भी वन लेके चल रहे हैं, तो कोड मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो यहाँ थ्री से कंपेयर करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, वन और ज़ीरो, तो वन ज़ीरो, उसके बाद हम बी नॉट को वन कंसिडर कर रहे हैं, तो फाइव आ जाएगा, फिर नीचे क्या है, वन और ये वन, वन वन के बाद अगर वन आ जाता है, बी नॉट को हम लेके चलते हैं, तो ये सेवन, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़िया, सबसे ऊपर वी आई इज़ ग्रेटर देन वन और नॉट, तो नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बी नॉट को ज़ीरो कर देते हैं, और अगर है तो बी नॉट को वन रहने देते हैं, ठीक। उसी तरह से यहाँ थ्री से कंपेयर किया, तो ज़ीरो है अगर, मतलब सॉरी, ग्रेटर देन थ्री नहीं है तो हम बी नॉट को ज़ीरो लेके चलेंगे, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन है तो बी नॉट को वन लेके चलेंगे, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे अगर ग्रेटर देन फाइव है नहीं है तो बी नॉट को ज़ीरो और नहीं तो वन लेके चलेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस जगह तक इस लाइन पे कौन सा कोड आएगा, इस लाइन पे कोड क्या आएगा, क्योंकि ये बी टू ज़ीरो है ऊपर, ये ज़ीरो दे रहा है, ये बी वन को ज़ीरो दे रहा है और बी नॉट को भी ज़ीरो दे रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इस लाइन के लिए देखते हैं, बी टू ज़ीरो, बी वन ज़ीरो और बी नॉट वन, तो ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक। उसी तरह से इस वाली लाइन के लिए बी टू ज़ीरो, बी वन वन है, ठीक है, और बी नॉट ज़ीरो, तो ज़ीरो वन ज़ीरो आ गया। फिर ज़ीरो वन और वन, इस तरह लिख सकते हैं सारे कोड्स, यहाँ देख स्क्रीन विजिबल है,
ठीक है, नो डिस्कनेक्ट सर, है, नहीं है, नहीं सर, नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी अभी भी नहीं है सर, अब हो रही है, हाँ अब हो गई सर, हो गई, ठीक है जी सर। अगर मैं इस लाइन के लिए लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, ये वन और ये जीरो, ठीक है, बी वन इज वन, सॉरी बी टू इज वन, बी वन इज वन एंड बी नॉट इज जीरो, तो 110 हो गया, और नीचे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ बी नॉट वन, ठीक, तो इस तरह से हम लोग करके चलते हैं। अब देखिए जैसे 5.2 है, ये एग्जांपल हम देख लेते हैं, 5.2 है तो उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, ठीक, तो 4 से तो ग्रेटर देन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे हम चले, ठीक है, बी टू वन, अब यहाँ पर हमने 6 से कंपेयर किया, तो 6 से क्या हो गया, तो छोटा है तो ऊपर चले, ठीक, अब फिर से 5 से कंपेयर किया, 5 से क्या है, बड़ा है, तो ये नीचे आ गए, तो 101 कोड, तो 5.2 को भी अब जो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कोड लिखा हुआ है, जैसे क्वांटाइजेशन में क्या होता था, क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, नियरेस्ट जो भी प्री डिफाइंड लेवल्स हैं, ठीक है, उनके उनसे हम अप्रोक्सीमेट करते थे, तो 5.2 वैल्यू जो थी उसको हम लोग 5 से कंपेयर कर लेते, मतलब अप्रोक्सीमेट कर लेते थे, और जो 5 के लिए कोड लिखा हुआ था तो उसको असाइन कर देते थे। सोचो यहाँ पर अगर 5 भी होता इस जगह पे, तो भी क्या होता, 4 से ज़्यादा था तो हम यहाँ तो चलते ही, वैसे कम था यहाँ चलते, उसके बाद ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो अगर सर अगर 5.9 है तब भी सर 5 पर ही अप्रोक्सीमेट हो रहा है, 5.9 है तब भी 5 पर ही अप्रोक्सीमेट हो रहा है, इस प्रोसेस के हिसाब से, इस प्रोसेस के हिसाब से तो यही है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के केस में, यही है क्वांटाइजेशन में भी होता है, नहीं क्वांटाइजेशन में उसके नियरेस्ट लेवल पे होता है, देखो प्रोसेस तो क्वांटाइजेशन ही चल रही है यहाँ पे, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन तो हुआ, अप्रोक्सीमेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा आ जा रहा है कि 5.9 पे तुमने बोला जैसे, तो 5.9 पे भी वो 101 ही दे रहा है, तो इसका एरर बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक, उस लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि या इसको इम्प्रूव करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा और पास पास लेवल आ जाएंगे, जैसे 5 बिट ले लोगे तो इनके बीच में ही कोई 5 और 6 के बीच में ही कुछ आ जाएगा, दो वैल्यूज आ जाएंगे या 3 वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे, तो उससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जितनी बिट्स बढ़ा दोगे एनकोडिंग के लिए उससे इम्प्रूव कर जाता है, ठीक, क्लियर, चलिए ये हो गया आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लैश टाइप एडीसी, जो कि मैंने क्या बताया कि फास्टेस्ट एडीसी है, ठीक है, अब इसमें जो कंपैरेटर यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरेटर यूज 2^n-1, और n क्या है यहाँ पे, n is number of bits, clear, ठीक है, तो जो भी number हम लोग comparators use करेंगे 2^n-1, अगर 3 bit हम use कर रहे हैं तो कितने comparators use करने पड़ेंगे, 7, तो 3 bit के लिए हम लोग यहाँ पर एक ADC design कर रहे हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने 7 कंपैरेटर्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, एक वी इनपुट की लाइन सारे कंपैरेटर्स में दे रहे हैं, जो भी इनपुट एनालॉग वोल्टेज है उसकी, उसको हम सारे कंपैरेटर पे पॉजिटिव टर्मिनल पे दे देते हैं, ठीक, और किससे कंपेयर करना है वो हम क्या करते हैं, एक कि एक रेजिस्टिव सर्किट है जहाँ पर वोल्टेज आपका जो वी रेफरेंस हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने R/2 का लगाया हुआ है, फिर बाकी R R R
बार, यहाँ लास्ट में आर बाई टू, ये स्ट्रक्चर है ही इसका, ये ठीक है, ये सेट स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे वी रेफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, वी रेफरेंस जो भी है, इस जगह अगर हमें वोल्टेज चाहिए होगा तो कितना मिलेगा, कैसे निकालोगे इसको, पोटेंशियल डिवाइडर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको ये इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा, आर आर आर, ये सिक्स आर प्लस आर बाई टू, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपको वोल्टेज चाहिए वी नॉट, ठीक है, ये वी रेफरेंस है, हम वी आर कर देते हैं, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई टू, और इसका रेजिस्टेंस इन दोनों से मिलकर कितना हुआ, थर्टीन आर बाई टू, ठीक है ना। तो अगर हम वी नॉट निकालेंगे, वी नॉट इज इक्वल्स टू, तो किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस है ना ये वोल्टेज, तो कितना आएगा, थर्टीन आर बाई टू अपॉन थर्टीन आर बाई टू प्लस आर बाई टू इंटू वी आर। तो ये हमारा निकल आया थर्टीन बाई फोर्टीन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वी आर, समझ गए, ठीक। तो ये वोल्टेज यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दो को एक साथ कंसीडर कर लें और ये सारे एक साथ कंसीडर कर लें, ठीक है। और इस टर्मिनल पे हम एक वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एक करके हम लोग निकालते जाएंगे और यहाँ पुट करते जाएंगे। तो फिलहाल मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ। तो इस वाले टर्मिनल का हो गया 11 बाई 14 वी आर, ठीक। यहाँ हो गया 9 बाई 14 वी आर, ये 7 बाई 14 वी आर, नोट करते चलिए, 3 बाई 14 वी आर, 1 बाई 14 वी आर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो वोल्टेज लेवल्स हैं इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। और यहाँ आप देखेंगे ये 1 बाई 14 है, 3 बाई 14 है, एक एक छोड़ छोड़ के 5 बाई 14, 7 बाई 14, 9 बाई 14, 11, 13, ठीक। अब काम कैसे करता है ये कंपैरेटर क्या कर रहा है, एक तो वोल्टेज ये ले रहा है इनपुट वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ देखो कंपैरिजन की प्रोसेस एक साथ चल रही है, तो जब एक साथ चल रही है तो एक साथ ही वो कोड दे देगा, इसीलिए ये फास्टेस्ट है, ठीक है। तो ये इनपुट एनालॉग वोल्टेज को किससे कंपेयर कर रहा है, 13 बाई 14 वी आर से, रेफरेंस वोल्टेज जो भी दिया गया हुआ, ठीक है। तो कंपेरिजन करने के बाद अगर ये ज़्यादा आता है इससे, ठीक है, तो क्या दे देगा, रेफरेंस दे देगा। कंपेरेटर में क्या हमने बताया था आपको, ये क्या दे देगा, वी रेफरेंस, ठीक है। अगर कम आता है तो माइनस वी रेफरेंस दे देगा, ठीक। ये देने का मतलब क्या होता है, इसको वन या फिर जीरो, तो वो यहाँ पे लैच में इसके करस्पॉन्डिंग एक लैच होगा सबके, ठीक है। लैच में क्या करते हैं, बस हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमने यहाँ पर वी रेफरेंस, यहाँ पर हो सकता है माइनस वी रेफरेंस, यहाँ वी रेफरेंस, वी रेफरेंस, माइनस वी रेफरेंस, इस तरह